चले गए, और ये जो गार्ड आ रहा है इसने आके मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की और मेरा कैमरा बंद करवा दिया। ये आपको रियल वॉइस में इस गार्ड की सुना देता हूँ, आप देखें जरा। पाँच मिनट की दूरी पे रह गया नियाजी अड्डा और हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें हम इंजॉय कर रहे हैं, और ये इनका साजो सामान एक बैग यानी कि शॉपर। What's up guys, this is Azam and you're watching your favorite YouTube channel। तो दोस्तों आज का ब्लॉग ये है कि मैं अपने इस कजन को अजीजुर रहमान को और नवाज महमूद को गांव छोड़ने जा रहा हूँ। गांव नहीं छोड़ने जा रहा, अड्डे पे छोड़ने जा रहा हूँ। अड्डा यानी कि नियाजी अड्डे पे जा रहा है। ये अपना थोड़ा तारुफ कराएंगे, ये क्या करते हो? ये हमारे कैमरा में हाईकोर्ट में होते हैं। ये आज गाँव जा रहे हैं छुट्टियाँ लेके अजीजुर रहमान साहब, और ये इमरान खान के बहुत बड़े फैन है। और कल इस्लामाबाद गए हुए थे, कहता मैं इमरान खान को छुड़वा के आऊंगा, लेकिन इमरान खान को तो नहीं छुड़वा के लाए, अपने आप को छुड़वा लाया। कहता मैं गांव जा रहा हूँ, गांव जाके कुछ ना कुछ करता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से अब चलते हैं सीधा नियाजी अड्डे पे। नियाजी अड्डे पे मैं फैसल मुगर पे जा रहे हैं भाई, ये नवाज महमूद, इन्होंने टिकटें करवाई हुई हैं, और ये इसकी वजह से ना हम लेट हो गए हैं। ये कलमा चौक के अंडर पास से होते हुए हम जा रहे थे तो एक कैरी डब्बे वाले ने हमसे नारा लगवाया। तो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगने के बाद मैंने अपने कज़न को कहा कि यार तू ड्राइव पे फोकस कर, इनको छोड़ दे, मैं वीडियो बना लूँगा खुद ही, ये ना हो कि हम कहीं पे फिट हो जाएं और हमारी लत्तां बावां टूट छूट जान। हेलमेट भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, देखी जाएगी। हमारा लाहौर है भाई, हमारा पाकिस्तान है, यही तो फायदा है अपने मुल्क का। तो पाँच मिनट की दूरी पे रह गया नियाजी अड्डा और हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें हम इंजॉय कर रहे हैं, और ये इनका साजो सामान एक बैग यानी कि शॉपर, और दूसरा बैग जो है वो एक कज़न ने पकड़ा हुआ है, बस यही सामान होता है इनके पास। तो फैसल मुगर पे हम आ गए हैं, ये नियाजी अड्डे वाली साइड पे, यहाँ से भाई ने अभी टिकटें करवानी है। टिकटें यानी कि करवा ली थी, एक ने करवा ली है, एक जो नया लड़का था वो अभी करवा रहा है, तो वो टिकटें करवाते हैं, देखते हैं उनसे उन्हें कौन सा टाइम मिलता है। बहुत सारी जलालत और बहुत सारी राइड और बहुत सारी थकावट के बाद हमने इस काउंटर वाले से पूछा कि यार हमें एक और टिकट चाहिए इसी टाइम में जो 9:30 बजे जाती हो, लेकिन इसको तो टिकट मिल गई थी, इसने कल ही करवा ली थी, लेकिन ये जो कज़न है जिसने ये पर्पल कलर का सूट पहना हुआ है इसकी टिकट नहीं थी हो रही। तो बहुत सारी बहस के बाद काउंटर वाले ने हमें झंडी करवा दी और कहा कि यार कोई कोच अवेलेबल नहीं है, कोई टिकट का टाइम इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह मेरा कज़न दूसरी तरफ चले गया, और ये जो गार्ड आ रहा है इसने आके मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की और मेरा कैमरा बंद करवा दिया। ये आपको रियल वॉइस में इस गार्ड की सुना देता हूँ, आप देखें ज़रा। तो इस गार्ड ने मेरे साथ आके इतनी बदतमीजी से बात की और मुझे कहता कि बंद करो। मैंने कहा यार कोई तरीका होता है, कोई सलीका होता है बात करने का, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। फिर मैं बाहर आ गया और मैंने कहा कि बाहर खड़े होके थोड़ा आवाम को बता देते हैं। इससे पहले मैं इसके पीछे खड़ा होके, बल्कि इसके सामने खड़ा होके वीडियो बना रहा था, तब भी इन्हें होश नहीं था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर मैंने सारा मामला रफा दफा किया, मैं कहा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक कज़न मेरा चला गया, जो दूसरा कज़न था उसका 9:30 बजे का टाइम था। ये दूसरे को ये सानिया एक्सप्रेस है, यहाँ से मिली है टिकट, 10 बजे का टाइम है, बस 5 मिनट रह गया है, ये यहाँ से जाने लगे हैं। अब लोग को यहाँ पे करते हैं एंड, वो फैसल मुगर वालों ने अंदर वीडियो नहीं बनाने दी, उनकी कुछ अपनी पॉलिसियाँ और बेकार पॉलिसियाँ हैं यार। अब क्या कहूँ, मैंने इजाज़त भी ली है पहले गार्ड से, गार्ड ने कहा कि बना लो, लेकिन फिर कहता कि यार इजाज़त नहीं है, वो शायद नया गार्ड था। लेकिन जो भी है, ये मेरा अजीज़ रहमान अब गाँव जा रहा है, इसे वो एक गाड़ी दिखा देता हूँ। ये इधर गाड़ी लगी हुई है, ये गाड़ी लगी हुई है, ये पीछे इस गाड़ी में इसने बैठ के जाना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरा कज़न जा रहा है, ये इसका आपको इंट्रोडक्शन मैंने पहले करवा दिया है। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।